सोलन के बाजनी गांव के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। गांव में सड़क बनाने का आग्रह किया। सोलन के शिशु पार्क की हालत हुई खस्ता। गंदगी होने के कारण बच्चों ने पार्क में आना किया बंद। नगर निगम ने नहीं उठाया कोई कदम। हमीरपुर में बीएसएफ से सेवानिवृत्त केबल किशोर ने पेश की मिसाल। घर में ही खेती बाड़ी के लिए बनाया पावर ट्रेलर मात्र 30 से 35 हजार रुपए की लागत से तैयार हुआ। तिब्बती मामलों में अमेरिका के विशेष संयोजक उजरा जया पहुंची धर्मशाला। युवा सरकार ने मानवाधिकार और लोकतंत्र शासन और मानवीय प्राथमिकताओं के मद्देनजर भेजा भारत। नान के गवांडल की जनता ने किया प्रदेश सरकार से आग्रह। जनहित में स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहित अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं करवाई जाए उपलब्ध। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में जुटे सुंदरम साइकिल यात्रा पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी आह्वान कर रहे हैं। सिरमौर के गोटापाप में तेंदुए के आतंक से गांव में फैली दहशत। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए भेजा पिंजरा। ग्रामीणों को तेंदुए से बचाने के लिए भी जानकारी या फिर जागरूक किया जा रहा है। प्रसार भारती के फाइनेंस मेंबर डीजी पाल नेगी पहुंचे के नॉर्थ रिकॉन्फ्यू ओके आकाशवाणी केंद्र का किया दौरा। स्थानीय लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया। शिमला के रिज मैदान पर 3 दिवसीय समृद्धि उत्सव का आगाज। कई विभागों के लाभार्थियों ने लिया हिस्सा।